हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्क लेवल स्विच के ऊपर है। तो मेरे पास ये वाइब्रेटिंग फॉर्क लेवल स्विच है, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके ऑपरेटिंग के पूरा कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको कॉन्फिगर करना है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हर वीडियो में सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो आज हम इसका भी पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं टोटल। तो ये है फ्रेंड्स हमारा सैपकॉन मेक का है। देखिए, सैपकॉन इंस्ट्रूमेंटल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है सैपकॉन का, उसका हमारे पास ये फॉर्क लेवल सेंसर है। और इसका मॉडल देख लेते हैं, तो ये देखिए बीटल। तो ये बीटल वाइब्रेटिंग फॉर्क लेवल लिमिट स्विच है ये इसका, सैपकॉन का बीटल जो मॉडल है बीटल, वो वाइब्रेटिंग फॉर्क लेवल लिमिट स्विच। तो ये मेरे पास है आज, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये इस तरीके से देखने में लगता है। देखिए, फॉर्क टाइप से इसको फॉर्क लेवल स्विच इसलिए बोलते हैं कि फॉर्क कितने दिखाई देता है। देखिए, इसकी दो लेग्स हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है। तो अब इसका मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए फ्रंट, इसमें दो LED हैं, ग्रीन LED है और रेड LED है। ये तो ग्रीन वाली हेल्दी की है और रेड वाली जब इसकी रिलैक्ट हो जाती है तब की है। और इसके टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं पहले। तो इसके टर्मिनल में ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसका एक नंबर और दो नंबर जो टर्मिनल है वो लाइन और न्यूट्रल के लिए है, तीसरा अर्थ के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें, ये 24 वोल्ट DC हो चाहे आपकी 220 वोल्ट AC हो, कोई भी वोल्टेज हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों वोल्टेज पे काम करेगा सेम टर्मिनल पे। फ्रेंड्स, 1 और 2 ऐसी तीन नंबर अर्थिंग का है और ये में दो रिले आउटपुट है फ्रेंड्स। एक नंबर रिले आपकी ये देखिए, ये है रिले 1, इसके टर्मिनल है कॉमन 5 नंबर है, NO 6 नंबर है और 4 नंबर NC है। ऐसी रिले नंबर 2 हैं, दो रिले इसमें आप यूज में ले सकते हैं। दूसरी रिले का कॉमन 8 नंबर है, 7 नंबर NC है और 9 नंबर NO है। तो ये इसमें टोटल टर्मिनल है। अब बात करते हैं हम डिप स्विच की, तो इसमें 4 नंबर डिप स्विच हैं। देखिए, 4 डिप स्विच दिए हुए हैं इसके अंदर। तो अभी ये इस तरफ हो रखे हैं सारे, ओपन की साइड हैं अभी भी, कोई सब ओपन है, तो ऑन कोई नहीं है, सब ऑफ की कंडीशन में है। ऑन की कंडीशन में इस तरफ करेंगे। और ये डिप स्विच किस किस चीज़ के लिए है ये देखिए, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है। तो फ्रेंड्स, डिप स्विच की बात करें तो मैं आपको डिप स्विच के बारे में बताता हूँ। तो ये आपका एक नंबर डिप स्विच है, यहाँ से है ये एक नंबर। तो ये आपका फेल सेफ का है, फेल सेफ का ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फेल सेफ में जैसे अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, ये वाला देखिए एक नंबर डिप स्विच ऑफ पोजीशन में। तो ऑफ पोजीशन पे क्या होगा, नॉर्मली जैसे इसके कॉन्टैक्ट दिखा रखे हैं NO NC, ये कॉमन है, ये NO NC है, तो नॉर्मली ये चेंज हो सकते हैं। तो ये NO है तो NC रहेगा, जो NC है वो NO रहेगा, अगर ये पोजीशन ऑफ रहेगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो हमारा कॉन्टैक्ट जो है चेंज हो जाएंगे। और अगर इसको हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट दिखा रखे हैं कॉमन का, ये है NO है, तो इस तरीके से ही काम करेंगे। मतलब कि कभी हमारी सप्लाई फेल होती है किसी वजह से, फेल सेफ का मतलब है अगर किसी वजह से हमारी सप्लाई फेल होती है तो जैसे कॉन्टैक्ट इसमें दिखाए हुए हैं नॉर्मली वैसे ही रहें, चेंज ना हो। और अगर हमने इसको ऑफ पोजिशन में रखा है एक नंबर को, तो सप्लाई हमारी जैसे ऑफ होगी तो हमारे कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड, इसलिए इसका नाम भी फेल सेफ है, इसके नाम से इसका काम है। अगला चलते हैं 2 नंबर डिप स्विच में। तो 2 नंबर डिप स्विच जो है वो सेंसिटिविटी के लिए है। इसकी सेंसिटिविटी में हमने 5 इसको ग्रेड दे रखे हैं, 1 नंबर से लेके 5 नंबर। तो 1 नंबर 1 सेकंड से लेके, मतलब 1 से 5 तक, अगर 1 सेकंड में इसको ऑपरेट कर देंगे तो कम लो सेंसिटिविटी के लिए, सबसे कम, अगर आपको कम से कम लो जितनी इसकी लो सेंसिटिविटी है तो उस पर करना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसको ऑन कर देंगे डिप स्विच को और ये एंटर का की प्रेस करेंगे। इस एंटर की को एक बार प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, उससे क्या होगा, ये रेड वाली LED हमारी ब्लिंक करनी शुरू करेगी, 1 2 3 इस तरीके से 5 बार तक ये इसको कर सकते हैं। अगर एक बार में LED करते ही हमने डिप स्विच को ऑफ कर दिया तो हमारी लो सेंसिटिविटी में काम करेगा, और अगर हाई सेंसिटिविटी करनी है हमें तो हम इसको एंटर करके रखेंगे 5 सेकंड तक, तो ये LED ब्लिंक करेगी 5 बार, तो इसको ऑफ कर देंगे तो ये हाई सेंसिटिविटी पे एक्टिव हो जाएगा। अब अगला नंबर चलते हैं 3 नंबर डिप स्विच। इसमें कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है कोई फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ट्रायल भी दिखाऊंगा इसका।
तीन नंबर जो डिप स्विच है वो अनकवर लिखा है जिसपे, तो अनकवर आपको इसमें कन्फ्यूजन होने वाला नहीं, मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ, ये आपका ऑफ डिले है। और चार नंबर जो डिप स्विच है ये ऑन डिले है। ऑन डिले कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए इसको सप्लाई दे के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें 220 वोल्टेज दे रहा हूँ अभी, तो मैं ऑन करता हूँ तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए अभी रेड इंडिकेशन फ्रेंड्स इसलिए आ रहा है, मैंने इसमें मटेरियल में लगाया हुआ है, नॉर्मली में ग्रीन जलेगा। ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया इसको, इसको टेस्ट पर्पज से मैंने रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑन डिले हम सेटिंग करते हैं। ऑन डिले की सेटिंग कैसे करते हैं, तो इस टाइम पे हमारी जो है ग्रीन जोन में है। ये देखिए हमारा सेंसर रेडी है, जैसे ही रिले इसकी एक्ट होगी तो ये रेड वाली इंडिकेटर चलेगा और कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑन डिले को देखते हैं, ऑन डिले को समझते हैं, ऑन डिले होता क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसमें कोई मटेरियल हमारी ये फोर्क, ये देखिए ये है जो इस फोर्क पे कोई भी सॉलिड मटेरियल टच होगा कोई भी, तो जैसे इस पर कुछ टच होगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। देखिए ऑन हो गई अभी, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा हाथ से हटाऊंगा तो हमारी ग्रीन जल जाएगी। तो ये ऑन डिले मतलब जैसे ही मैं इसको मटेरियल टच में आएगा उसके कितने टाइम बाद ये ऑन हो, इसका मतलब है ऑन डिले। तो अगर तुरंत हमें एक्टिव नहीं कराना है, डिले देना है बीच में, तो वो कैसे देना है वो मैं बताता हूँ। पहले ऑन डिले, तो ऑन डिले के लिए ऑन डिले वाली जैसे मैंने आपको बताया ये कवर वाली स्विच तो ऑन डिले की है, तो इसको मैं ऑन कर दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसे ही इसको ऑन किया है रेड वाली इंडिकेटर ऑन हो गया है, इससे हमें पता चल जाएगा हमारा डिप स्विच जो है ऑन हो चुका है। अब क्या करना है आगे सुनिए, ये एंटर की दी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये देखिए एंटर की दी हुई है। इस एंटर की को हम जितना टाइम होल्ड दबा के रखेंगे तो उतनी बार ये हमारा एलईडी जो है ब्लिंक होगी पर सेकंड, ये एलईडी जो है ब्लिंक होगी हर सेकंड में एक बार, ये ब्लिंक होती रहेगी। तो जितना हमने सेकंड होल्डिंग देना है, जितना टाइम हमें डिले देना है, उतना टाइम तक इसको प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए मैं आपको गैस करता हूँ कि 5 सेकंड हम इसको ऑन डिले देते हैं, तो 5 सेकंड के लिए मैं इसको एंटर करके रखूँगा, ये 5 बार एलईडी ब्लिंक करेगी। तो ये देखिए मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, तो देखिए एक बार ब्लिंक हो चुकी है, 2 बार ब्लिंक हो चुकी है, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। जैसे ही 5 बार हुई मैंने इसको बटन को हटा लिया है, तो 5 बार हमारी एलईडी ब्लिंक हुई, इसका मतलब 5 सेकंड डिले इसमें डल चुका है ऑन डिले। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको, उसके सेट करने के बाद डिप स्विच को वापस वहीं कर देंगे। तो ये मैंने देखिए वापस वहीं कर दिया है, ये ग्रीन जोन में आ गया है, रेडी में आ गया है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको आपको मटेरियल में डाल के दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे पास एक, ये देखिए साल्ट है, नमक है मेरे पास, इसमें भी हम इसको चला सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी साल्टों में इसको चला सकते हैं। जैसे ही देखिए मैं एंटर करूँगा तो 5 बार ब्लिंक होगी हमारी एलईडी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 सेकंड होते ही हमारी एलईडी जो है सॉलिड हो गई है और रिले हमारी जो है एक्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा ऑन डिले। अब ऑफ डिले की बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको बाहर कर लेता हूँ दोबारा। अब इसका ऑफ डिले जैसे ही हमने बाहर निकाला तुरंत के तुरंत ये रिले हमारी ग्रीन वाली रेडी में आ गई, तो इसका मतलब ऑफ डिले हमारा अभी 0 पड़ा हुआ है। तो ऑफ डिले को भी हम ऐसे ही सेट कर सकते हैं। ऑफ डिले के लिए 2 नंबर डिप स्विच है, इसको ऑन करेंगे, ऑन करते वैसे ही जैसे पहले हुआ था एलईडी रेड वाली ब्लिंक ये सॉलिड हो चुकी है। एंटर की प्रेस करता हूँ 5 सेकंड तक, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ गई है। देखिए मैंने एंटर की को हटा दिया है एंटर की से, और एंटर की हमारी रिमूव हो चुकी है। अब 5 सेकंड का डिले टाइम डल चुका है ऑफ डिले टाइम। अब ये 5 सेकंड बाद ही रिले एक्ट होगी, और जब मटेरियल इसमें से हटा देंगे उसके 5 सेकंड बाद ही हमारी अपनी दोबारा उसी पोजिशन में रेडी की पोजिशन में डी एक्ट होगी रिले। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको, इसमें डाल के टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डिप स्विच को वापस कर देता हूँ रिमूव, तो इसको हमें याद रखना है, बोलना नहीं है। तो वापस कर दिया, देखिए रेडी में आ गया है। तो अभी मटेरियल में मैं टच कर रहा हूँ, देखिए तो जैसे ही देखिए टच किया है मैंने, तो ये देखिए एलईडी हमारी 5 सेकंड तक, ये देखिए 4, 5, 5 सेकंड देखिए, और रिले एक्ट हो चुकी है हमारी। और जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो देखिए दोबारा 5 सेकंड तक चलेगी, ये देखिए मैंने रिमूव कर चुका हूँ अभी, तो देखिए ग्रीन जोन जो है हमारी 5 बार ब्लिंक करेगी, ये देखिए और रिएक्ट होगी। तो इस तरीके से ऑन डिले और ऑफ डिले के लिए, ये देखिए डिप स्विच नंबर 4 और 3 ऑन डिले और ऑफ डिले था। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो
फ्रेंड्स, अब दो नंबर डिप स्विच के बारे में बात करते हैं। ये आपका सेंसिटिविटी का डिप स्विच है, तो इसमें इसको हम ऑन करते हैं सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए। तो ऑन करते ही ये देखिए रेड वाली हमारी एलईडी है वो ऑन हो गई है। तो हमें इसको सेंसिटिविटी कैसे कम ज़्यादा करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं एंटर की को प्रेस करूँगा, ये एंटर की है। इसको प्रेस करते ही ये आपका इसकी लो सेंसिटिविटी के लिए हम एक सेकंड में ही इसको एंटर को रिमूव कर देंगे, बटन को ऑफ कर देंगे। और अगर हाई सेंसिटिविटी लेनी है तो 5 सेकंड तक इसको 5 बार एलईडी को ब्लिंक करेगी। तो उस हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। तो हाई सेंसिटिविटी के लिए 5 सेकंड तक इसको 5 बार ब्लिंक करना होगा, और लो सेंसिटिविटी के लिए 1 बार में ही आप इसको हटा देंगे बटन को। तो मैं एंटर की प्रेस करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने प्रेस की, ये 1 बार 2 बार 3, ये देखिए एलईडी। तो ये 5 बार होने के बाद अपने आप होल्ड हो गई है, इसका मतलब हाई सेंसिटिविटी पे हो हमारा ये कैलिब्रेशन हो चुका है। और इसी तरीके से लो सेंसिटिविटी पे करना हो अगर आपको, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोबारा एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही एक बार ब्लिंक करेगी तो हम इसको छोड़ देंगे एंटर की को, तो हमारा लो सेंसिटिविटी पे हो जाएगा। तो देखिए दोबारा एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो अभी एक बार ही कैलिब्रेट हो चुका है ना, तो इसके लिए हमें एक बार डिप स्विच को वापस करना पड़ेगा। तो ये मैंने वापस किया है। तो अगर लो सेंसिटिविटी पे इसको करना है तो मैं दोबारा इसको ऑन कर देता हूँ डिप स्विच को। तो ये मैंने दोबारा ऑन कर दिया। ऑन करते ही देखिए एलईडी आपकी ऑन हो गई है रेड वाली। तो एंटर की प्रेस करूँगा अभी 1 सेकंड के लिए। तो जैसे एक बार ये ब्लिंक कर गई तो मैंने रिमूव कर दिया इस की को। तो हमारा 1 सेकंड मतलब आपकी लो सेंसिटिविटी पे ये कैलिब्रेट हो चुका है। इसको हम अब ऑफ कर देंगे डिप स्विच को, ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई अपने। तो अब ये फेल सेफ का स्विच है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फेल सेफ के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैंने इसमें इंडिकेटर लगा रखा है, एक रिले पे मैंने ये इंडिकेटर लगा रखा है। और रिले का मैंने देख लेते हैं कौन सा पॉइंट लिया है। एनसी पॉइंट लिया है, कॉमन और एनसी। कॉमन में मैंने 220 वोल्ट दिए और एनसी के थ्रू हमने इंडिकेटर में दिए। तो इस पोजीशन में हमारा देखिए इंडिकेटर जो है ऑफ है। तो जैसे ही मैं एक्ट कराऊंगा इसको सेंसर को, तो देखिए मैं यहाँ पे एक्ट कराऊंगा तो हमारा ये इंडिकेटर ऑन हो गया, ये देखिए। और मैं इसको हटाऊंगा तो ये हमारा इंडिकेटर ऑफ हो गया। तो देखिए इस टाइम नॉर्मली में ये एनसी है लेकिन ये एनओ दे रहा है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। हमने कनेक्शन एनसी पे किया है लेकिन अभी ये ओपन है सर्किट, हमारा रिले ऑन होने पे ये इंडिकेटर जलता है। मान लीजिए किसी वजह से हमारी फेल हो जाती है सप्लाई, ये सप्लाई हमारी आनी बंद हो जाती है मेन पावर, तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, ये रिले जो है कॉन्टैक्ट चेंज कर देगी, एनसी का एनसी हो जाएगा। अभी एनओ है तो ये एनसी हो जाएगा। तो अगर हम फेल सेफ वाले डिप स्विच को ऑन कर देंगे, तो ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, तो ये देखिए रिले ऑन हो गई हमारी डायरेक्ट। ये देखिए हमारा ये भी ऑन हो गया है इंडिकेटर। तो इससे ऑन करने से हमारा एक बेनिफिट ये है कि हमारे कॉन्टैक्ट जिस हिसाब से दिया हुआ है, एनसी कॉन्टैक्ट है तो हमें एनसी मिल रहा है। अब मैं रिले को एक्ट करूँगा, सेंसर को एक्ट करूँगा तो ये एनओ हो जाएगा, हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। देखिए मैं एक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ऑफ हो गई हमारी। तो इस तरीके से ये देखिए दोबारा ऑन हो गया, जैसे मैंने हाथ हटाया। तो फेल सेफ का मतलब ये है, फेल सेफ का डिप स्विच ऑन कर देंगे तो हमारी सप्लाई जाने के बाद भी हमारे कॉन्टैक्ट किसी वजह से चेंज ना हो, तो एनसी एनसी रहे और एनओ एनओ ही रहे। तो ये हो गया हमारा फेल सेफ का। तो इसकी अगर टाइमिंग की बात करें, जो हमने बताया था ऑन डिले और ऑफ डिले, इसकी हम 25 सेकंड तक का डिले टाइम इसमें दे सकते हैं, ऑन में भी और ऑफ में भी। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, 25 सेकंड तक की इसमें ऑन या ऑफ में हम डिले पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, अगर इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो 1.5 से 2 वाट तक का इसका कंजप्शन है 24 वोल्ट पर, इस सेंसर का हमारा स्विच का। और इसकी हम रिले कॉन्टैक्ट के बारे में बात करें, अगर इसकी जो रिले कॉन्टैक्ट है, ये दो रिले हैं, इनका कॉन्टैक्ट जो है हमारे ये 6 एम्पियर तक के कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, 6 एम्पियर तक हम इसमें लोड जो है दे सकते हैं। और इसकी हम टेम्परेचर की बात करें तो प्रोसेस कनेक्शन जो हमने इसके टच में रहना है तो वो हम 150 डिग्री तक भी टच में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको भी, 150 डिग्री तक इसकी रेंज है। और अगर हम इसकी आईपी की बात करें तो ये जो इसकी बॉडी है फ्रेंड्स, ये इसकी आप बॉडी देख रहे होंगे आप, तो ये डाई कास्ट एलुमिनियम का है, ये वाटरप्रूफ सेंसर है। ये इसकी आईपी की बात करें तो 68 आईपी है इसकी। और फ्रेंड्स इसके बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और इसका यूजेज मैं आपको एक बार बता देता हूँ फाइनली। इसका यूजेज हम कहीं भी फ्लाई ऐश में, फूड ग्रेन्स में, सीमेंट में, पाउडर में, शुगर में, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।